मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद और ख्वाबों से तबीयत तक का सफ़र लोगों के ख्वाबों की सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाना और शेयर करना है। उन लोगों का सफ़र आपके साथ लेकर आना है जिन लोगों ने एक ख्वाब देखा होता है, उस ख्वाब की तबीयत में जस्तजू में वो ज़िंदगी गुजार देते हैं, और उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने शोबे में बे इंतहा उनकी खिदमात होती है। आज मेरी 113 एपिसोड जो कि होने जा रही है, यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रही है। यकीनन आपको मेरे हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में आज एक ऐसी खातून, एक ऐसी लेडी, जब हम वुमेन एम्पावर होने की बात करते हैं तो मेरे नज़र में, मेरी चॉइस में एक नाम मेरे पास आता है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की पाकिस्तान में आकर, यूएस को छोड़ के पाकिस्तान की मोहब्बत उनको पाकिस्तान में लेकर आई। सेटल्ड बिजनेस था उनका यूएस में, और वो प्रोफेशनली यूएस बेस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, अवार्ड विनर है वहाँ से, और बहुत ज़्यादा उनकी ब्यूटी में उनकी खदमात रही है, और यहाँ तक कि यूएस की गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इसके ऊपर, वो ख़ुद बताएंगी। लेकिन ये पाकिस्तान की जो मोहब्बत है ना, और ये लाहौर की जो मोहब्बत है ना, ये इंसान को मिट्टी, अपनी मिट्टी की तरफ ले आती है, और यही जज्बा था कि वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में आके भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। पाकिस्तान में आजकल अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली वो एक ब्रांड ऑन कर रही हैं, और वो यानी कि लोगों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ लोगों के पहनावे के अतबार से भी एज ए फैशन डिज़ाइनर अगर मैं बात करूँ तो एक लाहौर में बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, मेरे दोस्तों में से हैं और किसी तारुफ के मुहताज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नताशा जी की। जी हाँ, नताशा खान की। ठीक, नताशा खान का तारुफ मैंने जैसे पहले बताया कि वो एक यूएस बेस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट रही हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट भी वो करती रही हैं, इसके अलावा वो फैशन मर्चेंडाइज जो है एक बहुत बड़ा शोबा है जो कि आम लोगों को नहीं पता। इसके ऊपर आज हमारी बात होगी। ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र आज बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि मेरे साथ है नताशा खान। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई शो ख्वाबों से तबीयत तक पावर्ड बाई मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। नताशा जी, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, और जिस तरह मैंने आपका तारुफ में कहा कि पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी मोहब्बत आपको यहाँ तक खींच लाई, यूएस को छोड़ के। लोग यूएस के वीज़ाज़ के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और आपने यूएस की नेशनैलिटी को छोड़ के पाकिस्तान को तरजीह दी। तो ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्या था पाकिस्तान की, ऐसी कौन सी चीज़ से आप इंस्पायर हुई कि यूएस को छोड़ के आप पाकिस्तान आ गई? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी, पाकिस्तान आने का जो सबसे बड़ा वापसी का सफ़र था वो उसके पीछे डेफिनेटली मोहब्बत वतनी ही होती है। और व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान आई वाज अ वेरी यंग गर्ल, और तो मुझे उस वक़्त भी बहुत से मसाइल खुद फेस करने पड़े थे। तो मुझे ऐसा था कि एक दिन इंशाल्लाह मैं वापस जाऊँगी अपनी कंट्री, और जो जो मौका मुझे वहाँ मिला बींग अ पाकिस्तानी गर्ल एंड वट एवर आई लर्न देयर, वट एवर आई एक्सपीरियंस देयर, आई थॉट कि मुझे अपनी यूथ को जाके ये वापस करना है। सो दैट थिंग ब्रिंग मी बैक इन पाकिस्तान, मेन रीज़न ये था। अच्छा, आप वहाँ पर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, अवार्ड विनर कहा जा सकता है जी। ये आपकी क्या डिग्री थी कि आपकी प्रोफेशनली, यानी कि आप इसके ऊपर काम करी थी, थोड़ा सा डिटेल बताइएगा अपना।
जी, जैसा कि शुरू से ही मैं फैशन से भी रिलेटेड रही हूँ और ब्यूटी भी मेरा पैशन था. सो दिस इज कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली इज अ ब्यूटी इंडस्ट्री. उसके लिए हमें स्कूलिंग करनी होती है. स्कूलिंग के बाद एक लाइसेंस्ड एग्जाम देना होता है जो स्टेट की तरफ से होता है. तो आई एम स्टिल लाइसेंस्ड फ्रॉम न्यू जर्सी. तो वहाँ से पहले हमने जी स्कूलिंग की है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद हमने स्टेट का एग्ज़ाम पास किया. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी चीज़ विदाउट लाइसेंस के Impossible. आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस, चाहे वो सिर्फ बाल काटने के ही क्यों ना हो. तो आई एम लाइसेंस फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स. सो तीनों, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैन ट्रीट आउटसाइड बॉडी एनीबडी. जैसे फिजिशियन होता है वो आपका इनर ट्रीट कर सकता है एज अ फिजिशियन. तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैज ऑल द नॉलेज, ऑल द सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस फॉर ट्रीट आउटसाइड द बॉडी. अच्छा नताशा जी, मेरा चूंकि फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक जी, तो वो बचपन के जो ख्वाब देखा करते थे वो आपको पाकिस्तान में तबीर उसकी मिली है कि भी US में, कि अभी वो सफ़र को, अभी वो सफ़र जारी है, सारी है, गामजन है अपनी तरक्कियों की तरफ? बहुत अच्छा सवाल है शाहिद, वेरी मच गुड क्वेश्चन. मेरे ख्याल है कि सफ़र अभी भी जारी है. और मुझे ना ऑनेस्टली लाइक आई नेवर थॉट कि आई कैन बी इन US, राइट. वो भी एक सडन खुदा ने रास्ता दिया और मैं चली गई. और वहाँ शायद आप लोग हंसो, मुझे फर्स्ट डे से आज तक 23 years हो चुके हैं ऑल टुगेदर. तो आप ये कह सकते हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा तो गुजारा ही है, बल्कि आधे से ज़्यादा गुजारा है. तो हाँ, दैट्स वॉज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई लर्न अ लॉट एंड जो अच्छी चीज़ें थी वो मैंने वहाँ से अब्जॉर्ब की हैं अपने अंदर. और मुझे कुछ ड्रीम वहाँ भी पूरे हुए, लेकिन अभी भी मेरा जो एक सफ़र है वो जारी है. और आई डोंट नो मैं क्या बनना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ. तो मैं स्टिल लर्निंग एंड कीप गोइंग. क्योंकि अगर सफ़र रुक गया, अगर ख्वाब देखने बंद हो गए, हाँ, तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता. बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. और वक्त ने मुझे इतना सिखाया है कि पहले मेरे पास ज़िंदगी का एक मकसद था जो मुझे US लेके गया. फिर वो चीज़ अल्लाह ने कंप्लीट करवा दी. जब वो चीज़ कंप्लीट करवा दी तो फिर मैंने सोचा. और सम टाइम आई लर्न कि मेरे मुझसे खुदा लोगों के लिए काम लेता है, मेरे अपने लिए कुछ नहीं होता, जो मैंने नोट किया. सो देन आई थिंक इफ़ अल्लाह वॉन्ट टू यूज़ मी फॉर अदर्स, सो दैट्स वाई आई चूज टू बी नाउ आई ओपन माई ब्रांड कि भाई मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ, लोगों के लिए कीप डूइंग. तो मेरा ख्याल है अभी तो सफ़र शुरू हुआ है. पाकिस्तान की जर्नी तो शुरू हुई है, उसको अभी टाइम लगेगा. तो कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान में ये सब कुछ? मैं समझता हूँ कि अगर कंपेयर करें हम US से, तो पाकिस्तान में डिफ़िकल्टीज है बहुत ज़्यादा, वो एक एज ए लेडी जी. और यहाँ पर जिस तरह के मामलात है, हरासमेंट और दूसरी इम्पावरमेंट के सारी चीज़ें, exactly. तो हाउ इज़ योर फेस, यानी कि ऑल इश्यूज इजीली? ऑनेस्टली शाहिद, जैसे मैं 2000 में अमेरिका गई थी एंड आई वॉज अ यंग गर्ल, राइट. तो जो प्रॉब्लम्स उस टाइम थे ना पाकिस्तान में, तो कमिंग बैक विद द मिडिल एज वुमेन, आई थिंक पाकिस्तान इज स्टिल स्टैंडिंग देयर. तो अमेरिका में इतना मुझे हर्डल्स कभी भी नहीं आए, ये बिल्कुल सच्ची बातें बता रही हूँ कि वहाँ पर मुझे एज अ वुमेन नहीं देखा जा रहा था, एज अ लड़की नहीं देखा जा रहा था. वहाँ मेरे काम को एज अ प्रोफेशनल देखा जा रहा था, दैट्स द राइट वर्ड. बट पाकिस्तान आने के बाद आई थिंक यू नो मी ऑलमोस्ट 5 years ना, या एंड ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं यहाँ पर देश में आई हूँ. तो दैट वॉज अ बिग डिफरेंस. लाइक आई फील सॉरी बट मैं ढीठ सी हूँ. जब मैंने अमेरिका जाके प्रूव कर दिया था, इवन के वहाँ के गोरे मुझे जब उनको समझ आती थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू सीरियस यू फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज उनके दिमाग में पाकिस्तान की औरत एक ढकी हुई डरी हुई, हाँ, एक डरी हुई ढकी हुई, मर्दों से घबराई हुई, मैन डोमिनेटिंग कल्चर की लड़की है, तो वो कैसे अमेरिका में आकर अकेली इतना आगे जा सकती है या सर्वाइव कर सकती है. तो आई थिंक आई बॉर्न विथ दैट. कई लोग होते हैं कि वो पैदा ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से इनकलाबी टाइप होते हैं, लीडरशिप उनमें होती है. हाँ, आई थॉट दैट्स मी. मतलब आई बिलोंग टू अ फैमिली दैट्स वेरी कंजर्वेटिव, वेरी वेरी कंजर्वेटिव, एंड आई एम द ओनली वन गर्ल इन माय फैमिली जिसने पहला मैट्रिक किया था
मतलब कि वो लड़की के एजुकेशन के भी खिलाफ थे। टोटल टिपिकल फैमिली से मेरा ताल्लुक है, जो मैंने आज तक मीडिया पे कभी नहीं बोला। और अभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपके सामने कैरेक्टर बैठा है, अभी भी मैं ही हूँ, सिर्फ वुमेन के अंदर बात कर रही हूँ, बाकी तो बहुत कुछ है। सो बट आई थिंक आई एम लाइक दैट। नताशा जी, मैं इसलिए तो कहता हूँ वन एंड ओनली, यानी कि ये नताशा जी ही कर सकती है। अच्छा नताशा, मुझे ये बताइएगा, जब वर्ड ब्यूटी का आता है जी, ब्यूटी के अंदर एक पूरी यानी कि कॉस्मो, यानी कि समझिए कि आ जाती है हर चीज़, जी जी, समा जाती है जी, तो आप ब्यूटी को किस तरह से देखती है, ब्यूटी की तारीफ क्या करती है, आपके नज़दीक ब्यूटी क्या है? मेरे नज़दीक ब्यूटी तो आपकी आँखों में ही होती है, और जो मेरे लिए जो सबसे देखें इंसान तो इंस्पिरेशन जो होती है वो ये मेरे ख्याल है कि जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता है इंसान को। मैंने अमेरिका में ब्लैक पीपल भी देखे ना, तो आप उनको पसंद नहीं करेंगे कि वो ऐसे, लेकिन यकीन कीजिए उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका अखलाक, उनके बज़ाहिर हुसन को वो कर देता है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपका कॉन्फिडेंस हो रही है। तो ब्यूटी तो आपको पता है एक कमर्शियल वर्ल्ड बन चुका हुआ है, बट स्टिल आई एम पार्ट ऑफ इट। तो आई लव, मुझे ब्यूटी, हेल्थ और फैशन में जो है वो मज़ा आता है, दैट्स माई पैशन, और इसी को लेके मैं साथ साथ चलती हूँ, इज़ अ ट्राइंगल, और इंशाल्लाह लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। जी जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान फैशन, जी नाज़रीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान फेमस फैशन डिज़ाइनर नताशा खान और वर्ल्ड फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट नताशा खान आज मेरे साथ ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में मौजूद हैं। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। लेकिन जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, आई वाज अ लिटिल गर्ल, तब भी लोग मेरी कॉपी किया करते थे। थैंक यू, शायद ये अच्छा जुमला था। लेकिन ये है कि जब भी मैं, उस वक्त भी मुझे अच्छा पहनना, सबसे यूनिक लगना पसंद था। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में खुश आमदेद। आज मेरे साथ नताशा खान मौजूद है, पाकिस्तान फेमस फैशन डिज़ाइनर और वर्ल्ड फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जी नताशा जी, जी अब बात हो रही थी नताशा जी इनर ब्यूटी की, उसके ऊपर आपको बहुत बिलीव है, क्योंकि दरअसल इंसान अंदर से खूबसूरत हो तो सारी दुनिया ही उसको बहुत अच्छी लगती है। नताशा जी, ये सफ़र इतना आसान नहीं था कि आप ही पाकिस्तान आ जाती है और फिर आज आप एक फेमस फैशन डिज़ाइनर के तौर पर काम करिए, तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होना और फैशन डिज़ाइनर होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जी। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा, नाज़रीन देखने वाले थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। नहीं, कन्फ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि इनका ना वो, अगर मैं टिपिकल उर्दू में बोलूँ तो चोली दामन का साथ है कि ब्यूटी और फैशन इज़ ऑलवेज सेम इंडस्ट्री। देखिए हम जब शूट करते हैं तो हम कोलाबोरेशन किसके साथ करते हैं ना, एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ करते हैं, फोटोग्राफर के साथ करते हैं, तो दिस इज़ गो लाइक दिस राइट। तो इनर ब्यूटी की जहाँ तक आपका सवाल है, तो नो डाउट अबाउट इट कि अगर आप अंदर से पीस में नहीं हैं तो डजेंट मैटर आप कितना खुद पे चढ़ा लें मेकअप, कितना मिलियन का जोड़ा पहन लें आप, अगर आप इनर से खुश नहीं हैं ना तो आपका हुसन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इनर ब्यूटी इज़ वेरी मच मतलब डिफरेंट, लाइक नो डाउट कि आपके जो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको ग्रूम करती है या आपको एक मेकअप आर्टिस्ट ग्रूम करता है, वो तो आपकी एक ब्यूटी को हम और इन्हेंस कर रहे होते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। लेकिन सबसे मोस्ट जो मैं बिलीव करती हूँ कि पहले इंसान को अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। और फैशन डिज़ाइनर की इंस्पिरेशन, जब आप फैशन को डिज़ाइन कर रही होती तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही होती है? शायद आप लोग मानो नहीं, और लोग शायद मेरी इस बात पे फन भी करें, बहुत से डिज़ाइनर अगर ये सुने तो मुझ पे हंसें भी, लेकिन जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, आई वाज अ लिटिल गर्ल, तब भी लोग मेरी कॉपी किया करते थे। थैंक यू, शायद ये अच्छा जुमला था। लेकिन ये है कि जब भी मैं, उस वक्त भी मुझे अच्छा पहनना, सबसे यूनिक लगना पसंद था, और बाय देन ऑल्सो पीपल कॉपी मी, मैं किसी की कॉपी नहीं करती थी, ये मेरा शुरू से अंदाज रहा। तो अभी भी मैं जब मैं देखती थी तो मैं खुश होती हूँ, लाइक मुझे एक विजन आना शुरू हो जाता है, लाइक आई नो कि इधर उधर भी देखा पड़ता है, दिस इज़ अ वेरी मच, इंटरनेट ने सारा ही एक्सपोजर कर दिया है, लेकिन जिस टाइम से मैंने शुरू किया उस वक़्त इतना एक्सपोजर किसी का नहीं होता था, लाइक इवन हम यूएस में भी थे ना, तो हमें इतना नहीं पता होता था इसका ये डिज़ाइन है, इसका ये डिज़ाइन है, इसका ये डिज़ाइन है। तो इमेजिनेशन या अंदर से एक वो आ जाती है,
बस मुझे नहीं पता, जब मैं उठाती हूँ कोई चीज तो वो बन रही होती है, विजन हो रहा होता है, आसान अल्फाजों में आमद हो रही होती है आपके ऊपर, है ना? जी जी बिल्कुल, कुदरती तरह से काम का है, ट्रू है, हाँ। और उसी को फिर आप उसको मैं फिर कोशिश करती हूँ आप उसको अल्फाज में, जो शायर होता है वो अल्फाज में, और एक जो डिजाइनर होता है वो अपने स्केचिंग में कर रहा होता है उसको ले आती है। अच्छा नताशा जी, अभी आपकी स्पेशलिटी क्या है, यानी फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारी टेक्सटाइल आ जाता है उसमें, उसमें काफी, यानी आप किसको ज्यादा कर रही हैं बताइएगा। देखिए मेरा ज़्यादा इस वक्त जो है वो मैं प्रेट में खेल रही हूँ, रेडी टू वेयर में, क्योंकि जो वर्ल्ड है ना वो इतना बिजी हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब रनिंग रनिंग रनिंग, तो हर बंदा यही चाहता है कि कौन जाके टेलरों के धक्के खाए। जो न्यू जनरेशन है, जो लाइक इवन माई जनरेशन के जो लेडीज़ हैं वो अभी भी उनको यही पसंद है कि वो अपनी मर्जी से जाके टेलर के पास, उनकी ये एक मतलब एक हॉबी है आप समझें, कि वो सुबह उठेंगी बाजार चली जाएंगी, एक कपड़ा यहाँ से लेंगी, लेस वहाँ से लेंगी, फिर जाके टेलर के साथ बैठ जाएंगी, लाइक लेकिन जो न्यू अभी आजकल की जनरेशन है दे आर रनिंग फास्ट, तो वो प्रेफर यही करते हैं कि हम कौन यहाँ यहाँ धक्के खाए, तो बेटर यही है कि अगर हमें हर चीज़ पकी पकाई मिल जाती है तो हम जाके जो पसंद है वो पहन लेते हैं। बट मेरी ज़्यादा फोकस इस वक्त जो है वो प्रेटवेयर पे है, लेकिन मैं कटूर भी करती हूँ, वेडिंग का भी देख रही हूँ, लग्जरी प्रोडक्ट भी देख रही हूँ, तो ऑर्डर टू मेड भी हम करते हैं। अच्छा, मेक टू ऑर्डर करती हैं। बिल्कुल, यानी कि जो आपकी स्पेशलिटी है वो प्रेटवेयर किया जा सकता है। जी प्रेटवेयर है और मेक टू ऑर्डर भी है, पर ज़्यादा मैं प्रेटवेयर पे हैप्पी रहती हूँ कि आए बहने ट्राई करें, बाद में कोई कंप्लेन नहीं है तो दे आर सेटिस्फाइड। तो पाकिस्तान का बिजनेस अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू यूएस मार्केट फॉर द प्रेट एंड अटायर एंड अदर, यानी कि कलेक्शन फॉर लाइक ब्राइडल वेयर, फॉर्मल वेयर एंड कैजुअल वेयर, तो आप कैसा, आपको कैसे कंपेयर करती हैं इकॉनमी वाइज, समझती हैं आपको हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके? जी बिल्कुल, हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बिल्कुल मीट करती है। मैं आपको 23 साल पीछे लेकर जाऊंगी, जिस बाइंग हाउस ने मुझे वीज़ा दिया था यूएस का, तो मैं उसमें एज अ मर्चेंडाइजर मैंने काम किया था, तो उस वक़्त पाकिस्तान से जो प्रोडक्शन हो रही थी वो यूएस के टीसीपी लेबल और हैंस लेबल की हम करते थे, निट्स की, हॉजरी की, ठीक है, जो पोलो शर्ट्स बनती हैं या जिससे, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो कॉटन है, हमारे यहाँ जो यान है, हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट है, नो बडी कैन कम्पीट। बट नाउ क्योंकि इंटरव्यू में मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक जो हमारा ही हिस्सा था अब वो बहुत आगे जा चुका है पाकिस्तान का। तो फैशन की जहाँ तक बात करेंगे तो हमारे अपने एथनिक पाकिस्तानी कल्चर का जो फैशन है, वी आर ऑसम, इंडियंस लाइक अस आवर फैशन, ठीक है। हमारे जो नामवर डिज़ाइनर्स हैं, नॉन डिज़ाइनर्स हैं, इवन व्हेन आई गो डू द एग्जीबिशंस इन यूएस, पीपल लव पाकिस्तानी क्लोथ्स, एंड आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स व्हिच हु आर इंडियंस मोर देन पाकिस्तानी, बिकॉज पाकिस्तानी तो आ जाते हैं ना, तो खुद भी बाइंग कर ले के चले जाते हैं, लेकिन दे लव अवर प्रोडक्ट, दे लव अवर पाकिस्तानी फैब्रिक मोस्टली, लाइक आई हर्ड मोस्टली फ्रॉम माई इंडियन फ्रेंड्स माउथ, दे ऑलवेज से आप लोगों का जो है ना फैब्रिक बहुत अच्छा, आपका क्वालिटी ऑफ, तो इसीलिए मैंने जो सोचा कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को, रही फैशन की बात, आई विल कनेक्ट दैट, डेफिनेटली आई बिलोंग टू द वर्ल्ड टॉप फैशन इंडस्ट्री न्यूयॉर्क, तो आप ये तो नहीं मुझे कह सकते, दुनिया में दो ही फैशन के बिग हब हैं, पेरिस न्यूयॉर्क, ठीक है, तीसरा एलए है और वो भी यूएस में है। बट हम एज अ पाकिस्तान अगर हम सिर्फ अपने फैशन की बात करें तो वी आर गुड, माशाल्लाह, स्पेशली पाकिस्तान की क्वालिटी, जो फैब्रिक की क्वालिटी, जैसे आपने कहा स्टफ, और इंडिया के साथ भी अगर आप कंपेयर करें तो वो इंडिया में वो क्वालिटी नहीं, नहीं है, नहीं है, मैं जो हमारे यहाँ वर्क की, स्पेशली अड्डा वर्क, अड्डा वर्क की हमारा बहुत अच्छा है, चाइना भी हमें बीट नहीं कर सकता इस मामले में, ठीक है, हमारा अड्डा वर्क जो है पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। मैंने खुद न्यूयॉर्क में भी फैशन शो किया और मैं पार्ट भी रहा हूँ पेरिस फैशन वीक का भी, तो मैंने देखा पाकिस्तान की प्रोडक्ट को लोग बड़ा लव, बड़ा प्यार करते हैं, यानी कि ये इंडिया की प्रोडक्ट में नहीं मिलता। मेबी शायद यू थिंक आई एम ब्रैगिंग, बट आई वाज पार्ट ऑफ दिस फेब्रुवरी फैशन वीक जो होता है वहाँ पे, आपको पता है ना, दे डू ट्वाइस राइट, न्यूयॉर्क फैशन वीक, तो आई सपोज टू डू द फेब्रुवरी वाला, फिर मुझे यहाँ आना था तो मैंने कहा नहीं हो सकता, तो अब जो नेक्स्ट सेप्टेम्बर वाला, बट आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग राइट नाउ, बट दे ऑलवेज वॉन्ट कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। ये नाज़रीन देख रहे हैं आप, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है आज नताशा खान से,
और यकीनन फैशन को समझ रहे होंगे आप भी, और फैशन पाकिस्तान का क्या है, नो डाउट हमारा फैशन पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है जी, बिल्कुल। और अगर ये हमारी बैकबोन है, टेक्सटाइल पाकिस्तान की बैकबोन है, हालात जैसे भी हो पाकिस्तान को बढ़ने आगे, पाकिस्तान के फैशन को बढ़ने आगे, सॉफ्ट इमेज को पाकिस्तान के प्रमोट करना, ये मैसेज हमारा होता है। इस वक्त हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आई जस्ट वांट के जाना सबने, तो कुछ ऐसा कर रहे हो। कहाँ जा रहे हैं आपने? ऊपर। नहीं नहीं, आपकी जरूरत है अभी फैशन डिस्ट्रिक्ट को। नहीं नहीं, बिल्कुल है, बस मैं ये चाहती हूँ दोस्तों को। बिल्कुल, वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक, पावर्ड बाय मॉडल स्क्रीन ग्रुप ऑफ कंपनी। नताशा जी पाकिस्तान फेमस फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है जी। नताशा जी, नताशा जी बताइएगा फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या ईद आ रही है, कौन सी कलेक्शन लेकर आ रही हैं, लोगों को वेट होगा बड़ा जी। बिल्कुल, देखें आप देख रहे हैं माशाल्लाह इस दफ़ा तो बहुत जल्दी समर ने हिट कर लिया है ना, मतलब इज जस्ट अप्रैल, इवन मार्च से समर हमें स्टार्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली हमने जो बनाया है वो मिक्स ही है, फ्यूजन है, ट्रेडिशनल है, थोड़ा बहुत जो आजकल इन है कटिंग और वो चीज़ें, तो हमने नॉन फैब्रिक पे ही ज़्यादा काम किया है। और चिकनकारी जो बहुत ज़्यादा आजकल तकरीबन हर कोई बना रहा है, तो वो ट्रेंड में रह के फैब्रिक यूज़ करना पड़ ही जाता है, बट डेफिनेटली हमारा अपना स्टाइल होगा, तो हम इस ये ला रहे हैं इस वक्त ईद के लिए। नताशा जी, वो आप ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती हैं कुछ, यानी कि आपके ये जो हमने देखे इस स्टोर में हम आए हैं, तो ज्वेलरी के भी रैक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आप ज्वेलरी डिज़ाइन भी करती हैं? जी, हम इसके ऊपर, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मेरा जो इसका एटेलियर का मकसद था ना, आई जस्ट वॉन्ट टू बी, मेरा जो शोरूम हो या स्टूडियो है उसमें फैशन एक्सेसरीज क्लोदिंग All will be under the one roof. Under the one roof. जी, तो इसलिए उसमें हम definitely आप देखेंगे इंशाल्लाह। नताशा जी, बताइएगा कोई ख्वाब जो अभी रह गया हो पूरा होने वाला? बहुत प्यारा सवाल। मैं, मुझे सब कहते हैं कि यार बस करो, जाओ आराम करो, रिलैक्स करो, किस काम में पड़ गई हो। तो मेरा ख्वाब ये है कि, बात तो शायद छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, बट आई जस्ट वॉन्ट के जाना सबने, तो कुछ ऐसा कर रहे हो। कहाँ जा रहे हैं आपने? ऊपर। नहीं नहीं, आपकी जरूरत है अभी फैशन डिस्ट्रिक्ट को। नहीं नहीं, बिल्कुल है, बस मैं ये चाहती हूँ दोस्तों को। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो मेन फोकस्ड है वो नीडी पीपल है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, उन लोगों के साथ काम करना जिनको कोई घुसने नहीं देता, और उन कारीगरों के साथ काम करना चाहती हूँ जिनको कोई रिस्क नहीं देता। और मेरे जाने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे इतना कुछ कर दे कि मेरे बाद भी मेरा नाम और मेरी वजह से लोगों का काम चलता रहे, रिस्क चलता रहे। मैंने तो चले ही जाना है, और अगर मैं अपना सोचूं तो मेरे पास इतना है कि माशाल्लाह मैं घर जाऊं ना, आई हैव अ ब्यूटीफुल होम, ब्यूटीफुल लाइफ, फैमिली, सो मैं बड़ी आराम से अब ना वो गोरों की तरह एक ट्राउजर और वो शर्ट पहन के ना मैं स्नीकर पहन के वर्ल्ड यात्रा पे निकल सकती हूँ। लाइक जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि मैं सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ। मैं इमरान खान की रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ पर्सन, बट एंड आई डोंट नो पॉलिटिक्स एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। मेरा सिर्फ ये है, फैशन का तल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए, नहीं होना भी नहीं चाहिए, बट एज अ पर्सन ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। नो डाउट, ठीक है, आपको नहीं पता होगा, बींग अ ओवरसीज पाकिस्तानी हमें फख्र होता था कि मैंने एक टीवी शो में मैं बैठी थी, और वहाँ पर पता नहीं कौन सी कंट्री का एक बड़ा क्रिकेटर बुलाया गया, और उससे इसी तरह चिट चैट हो रही है, टीवी एशिया एक चैनल है वहाँ पे, और हम एज अ गेस्ट सब बैठे हैं ऑडियंस में और हम उनसे सवाल कर सकते हैं। तो होस्ट ने उनसे आपकी तरह एक सवाल किया कि दुनिया में कोई ऐसा क्रिकेटर जो तुम जिससे इंस्पायर हो वो कौन है, उसने इमरान खान का कहा। तो देखें उस वक्त हम कितना हाई फील करते हैं जी। तो लाइक दैट्स व्हाई आई लाइक इमरान खान ऑन दैट मैटर, बाकी पॉलिटिक्स आई एम सॉरी। अच्छा, चूंकि मेरे फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 मिलियन का क्वेश्चन है ये जी, ख्वाबों पर यकीन रखती है? आई थिंक मुझे जिंदगी में कभी सोते हुए तो ख्वाब नहीं आया, शायद आप नहीं मानो। हाँ, जागते हुए विजन जरूर है मुझे, बस है। और मैं, मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि तुमने ज़िंदगी में जो चाहा वो किया, और अभी भी लगी रहो, और अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी, और अभी भी तुम पागलों की तरह, अल्लाह से भी जंग है तुम्हारी कि मैंने करना ही करना है, चाहे जितने हर्डल्स आएँ,
जितना प्रॉब्लम्स आए, कितने डिप्रेशंस आए। और मैं आपको एक बात ऐसा भी मैंने इसमें कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी है, नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक मतलब मुझे सिंपैथी किसी की नहीं चाहिए, मुझे पिटी नहीं चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली लाइक आई ऑल्सो फाइट सम टाइम विद माई ओन डिप्रेशंस। समटाइम मैं भी छुप जाती हूँ 3-3 दिन के लिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को खड़ा करती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं, मेरे साथ इतने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं तो मुझे उनको नीचे नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नताशा जी, एक और क्वेश्चन बड़ा अहम है कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए क्या सोचती हैं, क्योंकि आप खुद एक वुमन हैं जी, और वुमन को पाकिस्तान में राइट्स जो मिलते हैं उसके मुताबिक आप सेटिस्फाई? अच्छा, अब मैं जैसे लिविंग इन पाकिस्तान, मुश्किल से मुझे होश में 4-5 साल ही हुए हैं समझिए, एज अ एडल्ट और एज अ एक्सपीरियंस्ड वुमेन और मैच्योर वुमेन, जब मैं समझ सकती हूँ हालातों वाकयात। तो अगर मैं दीन को देखूँ तो हमारी इस्लाम की जो जगह औरत को मिली है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी, ठीक है। इवन अमेरिका में भी औरत के वो हकूक नहीं है जो आप समझते हैं, लेकिन नहीं है मुझसे जो राइट्स हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ है। हाँ, अगर आप एक मैन डोमिनेटिंग पावर या एक मुआशरती प्रेशर कहते हैं तो वो ज़रूर है औरत का, लेकिन मैं तो अब भी बहुत इम्प्रेस हूँ। मेरा ख्याल है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं पाकिस्तान में। मैं तो बाहर से आके इतनी बात कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ की आज 15 साल की लड़की में इतना कॉन्फिडेंस देख रही हूँ जो मैंने पूरी दुनिया घूम के मुझ में आया होगा। तो आई थिंक वी गेटिंग देयर, लेकिन चूँकि हम एक छोटा सा मुल्क हैं, 4 सूबों का हम मुल्क हैं। एक दफ़ा न्यूयॉर्क में मैं राजा साहब कौंसलर वहाँ के थे, कौंसलर जनरल थे, और उनकी मिसेस से हमारी, वो बहुत अच्छे दोनों मियाँ बीवी जो है ना यूएस के रहे हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर, तो उनसे मैंने बात की। तो 14 अगस्त का दिन था तो मुझे उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, शायद उसके बाद मैं चुप हो गई। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हमारा पाकिस्तान जो है वो नहीं संभल सक रहा, मतलब शर्म आ जाती है हमें कभी कभी ना। उन्होंने इतना प्यारा मुझे जवाब दिया जो मैं आज ज़रूर इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि लिसन, पाकिस्तान को बने अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं, तो तुम बताओ कि 70 साल में तो एक बंदा अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करके नहीं जा सकता, तो हमें भी टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पीछे दुनिया बहुत है। तो हम वी विल गेट देयर, हालांकि हम बहुत इंटेलिजेंट कौम है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कौम है, सब कुछ है। तो इस चीज़ को नहीं, वो जनरल जो आपके कौंसल जनरल के बात को मैं दोहराऊंगा कि वाकई दुनिया में मिटाने पर है। हाँ, और ये अल्लाह की जात है, वाकई है, ऑनेस्टली वही है, ये है, यानी कि हर तरफ से ये हकीकत है। लेकिन आप जैसे एनर्जेटिक लोग और एक अच्छी सोच के साथ अगर इस फील्ड में आते रहेंगे तो पाकिस्तान नाम रोशन करेगा, नो डाउट। आप एक पाकिस्तानी ट्रू एम्बेसडर हैं आप, जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक नाम, हमेशा झंडा, फ्लैग पाकिस्तान की इज्जत दिलाई है। नताशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ख्वाबों से तबीयत तक इस सफर में आज आप हमारी गेस्ट थी, स्पेशल गेस्ट थी मॉडर्न स्केल ग्रुप ऑफ कंपनीज की। थैंक यू सो मच। नताशा जी, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें आप एशियन ट्रेड टीवी और एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन के प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स को, फैशन इंडस्ट्री को, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने स्पॉन्सर का और आप एशियन टीवी का, एशियन मैगजीन और स्पेशली शाह साहब का कि इतने खूबसूरत सवाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके प्लेटफॉर्म से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली लेडीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि देखो, अपने आप को बिचारी मत बनाओ। आप एक मजबूत, खुदा ने औरत को वो ताकत दी है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो बीइंग पॉजिटिव और आगे बढ़ें। और मर्द की उसको अहमियत को छोटा ना करें, उसकी एक ज़ात है, लेकिन आप आगे बढ़ें, काम करें। और जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है इस प्लेटफॉर्म के साथ, मैं ये कहूँगी शायद कि अवर डोर्स आर ओपन। कोई कारीगर है, कोई लेडीज़ अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, हमारे अदारे की बेस्ट विशेस नताशा जी आपके साथ है। हम कदर करते हैं आप लोगों की जो स्पेशली पाकिस्तान की मोहब्बत में दियार गैर को, बारिश दुनिया को छोड़ के पाकिस्तान आए, और अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। जी नाज़रीन, आप ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में देख रहे थे, नताशा खान आज हमारे साथ मौजूद थी। ये ज़िंदगी चलते रहने का सफ़र है, ख्वाब देखने का सफ़र है, ख्वाबों को हकीकत को ढालने का सफ़र है, और ये सफ़र चलता रहेगा।
इसमें मेहमान आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसके साथ शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एक नए मेहमान के साथ, नए स्टार के साथ। तब तक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।